वंदे हम श्री गुरु श्री पद कमलम श्री गुरु न वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुना खान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमयो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदव्यास प्रिय स्वामिन इति नामिने नमयो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुपे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रते देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरेर्नाम केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नीताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाने वाली की, वृंदावन धाम की,
श्रीमद् भगवद गीता की, तुलसी महारानी की, श्रील गुरुदेव की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्तवृंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। लाडली श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास लाडली, श्री बरसानो वास। श्री वृंदावन वास लाडली, श्री बरसानो वास। दीजो मोहि श्री वृंदावन वास लाडली, श्री वृंदावन वास। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं सपरिवार कुशल मंगल होंगे। फेसबुक के माध्यम से एवं गूगल मीट ऐप के माध्यम से उपस्थित समस्त भक्त वृंद, वैष्णव वृंद एवं संत महात्मा एवं उपस्थित समस्त मातृमंडली का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की क्रमागत क्लास में, जो कि आज हम लोग सतत 68 दिनों से इस श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का पंचम अध्याय, कृष्ण भावना मृत में कर्म योग। इसके हम लोग 13 श्लोकों तक हम लोगों ने श्रवण कर लिया है। आज हम लोग श्रवण करेंगे 14 नंबर श्लोक से। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया था जो अंतिम श्लोक था, 13 नंबर का जो श्लोक था, वो श्लोक था सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन कार्यन। जितेंद्री जीव मन द्वारा सभी कर्मों को त्याग कर न तो स्वयं कर्म करता हुआ न ही दूसरों से करवाता हुआ इस नौ द्वारों वाले शरीर में सुखपूर्वक अवस्थित रहता है। ये बोल रहे हैं आत्मा के बारे में, बोल रहे हैं कि जो आत्मा है वो किसी से कोई कार्य नहीं करवाता है और न तो वो स्वयं करता है, न करवाता हुआ और न तो करते हुए वह दिखता है, लेकिन वह जितेंद्री है। वह मन द्वारा सभी कर्मों का त्याग, न तो स्वयं त्याग कर यानी सारे कर्मों को त्याग करके वह कर्म न तो करता हुआ दिखता है न तो करवाता हुआ दिखता है। तो इस नौ द्वार वाले वह पूरी में सुख पूर्वक अवस्थित रहता है। सुख पूर्वक अवस्थित रहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ जो हम लोगों की अवधारणा है, जो हम लोगों का भाव है, वहाँ एक जीव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि वह वही जीव है जैसे हम लोग। हम लोग सुखी रह सकते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में रह सकते हैं, किस प्रकार के हम लोगों को कार्य करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, तो वही कह रहे हैं जिस प्रकार से जीव, जितेंद्रिय जीव जो अपनी इंद्रियों को जीत करके मन द्वारा सभी कर्मों का त्याग करके, सभी कार्यों को त्याग करके, कर्मों का त्याग कर न तो स्वयं कर्म करता हुआ न तो दूसरों से करवाता हुआ इस नौ द्वार वाले शरीरों में सुखपूर्वक अवस्थित रहता है, तभी वह सुखी रहता है, सुखपूर्वक अवस्थित रहता है। सुखपूर्वक अवस्थित रहने का यही तात्पर्य है कि जब तक हम जितेंद्रिय नहीं होंगे, जब तक हम कर्म, यहां त्यागने की बात की जा रही है, यानी कि हमें कर्म करना है लेकिन कैसे, अनासक्त भाव से।
क्योंकि उसका बंधन नहीं होता। तो हमें उसी तरीके से यहाँ पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कह रहे थे, कह रहे थे कि योगी नौ द्वार विशिष्ट देह में भिन्न जीवात्मा या स्वरूप स्वस्वरूप का दर्शन करते हैं, वे राहगीर की भांति इस धर्मशाला रूप शरीर में रहकर भी इसमें ममता या आसक्ति नहीं रखते हैं, वे समस्त इंद्रियों के अधिपति भगवान की सेवा करते हैं। कहते हैं कि यह एक जो शरीर है वह धर्मशाला है। जिस तरीके से चित्रकेतु का बेटा जो था वो बोला था कि कस्य माता कस्य पिता कस्य भ्राता सहोदर प्राणे काया न संबंध काकस्य परिवेदना, जिस तरीके से इस आत्मा और इस शरीर का कोई संबंध नहीं होता। आत्मा आता है, इस शरीर में रहता है और रह करके कुछ समय के बाद वह चला जाता है। इस शरीर के प्रति उसकी कोई भी ममता नहीं होती है। वो जब जाने लगता है तो यहां तक कि वह मुड़ करके देखता भी नहीं कि इस शरीर के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। इतना मन निष्ठुर है, इतना हमारी आत्मा जो है वो निष्ठुर है, प्राण जो है वो बहुत निष्ठुर है। वो इतना दिन इस शरीर में रहता है लेकिन इस शरीर के प्रति उसकी तनिक भी आसक्ति नहीं होती। यही इस श्लोक में कह रहे हैं जो ये आत्मा है वो कर्मों का त्याग कर देता है और जितेंद्रिय है, वो जीत लिया है, इंद्रियों को जीत करके वो सुख पूर्वक इस नौ द्वार वाले पुरी में आनंद से निवास करता है। इसलिए ये शरीर को धर्मशाला बता रहे हैं। वैसे ही हम लोगों जिस तरीके से आत्मा इस शरीर में है उसी तरीके से ये बहुत बड़ा विशाल शरीर है, उसमें हम लोग हैं। और इसी यदि हम लोग जो बाहरी आवरण है इसी से हम लोग आसक्ति कर लेते हैं, आसक्ति करने के कारण ही हम लोग दुखी होते हैं। तो ये हम लोगों को भी ये संसार एक धर्मशाला की तरह समझना चाहिए। और हम लोग आए हैं और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हम लोगों को आसक्त बन करके आसक्ति में रह करके हम लोगों को नई जीवन व्यतीत करना है। कह रहे हैं यहाँ कि समस्त इंद्रियों के अधिपति भगवान की सेवा करना चाहिए। जो समस्त इंद्रियों के अधिपति भगवान कृष्ण हैं, हमें केवल उनकी सेवा करना, उनकी दासत्व को करना ही हमारा परम कर्तव्य है। तो यहाँ पे जीव के बारे में बताया जा रहा है, जो प्रसंग चल रहा है वह जीव का चल रहा है। तो अगले श्लोक में कह रहे हैं, चौथे 14 नंबर श्लोक में, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अन्वय, प्रभु लोकस्य न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्म फल संयोगम सृजति तु स्वभावः प्रवर्तते। कह रहे हैं प्रभु यानी ईश्वर लोकस्य न कर्तृत्वम, लोगों के न कर्तृत्व को, न कर्म फल संयोगम न कर्म फल के संयोग को सृजति सृजन करते हैं। तू किंतु स्वभाव अनादि अविद्या ही इनमें प्रवर्त प्रवृत्त हो रही है। कह रहे हैं ईश्वर ने न लोगों के कर्तृत्व, कर्तृत्व मतलब होता है कर्तापन, ईश्वर ने न लोगों के कर्तृत्व न कर्म, न तो जो कर्ता कर्म करता है न वो उस कर्म को और न ही कर्म फल, न तो वो करने वाले कर्म के फल के संयोग का सृजन किया है, बल्कि उनका स्वभाव अर्थात अनादि अविद्या ही इनमें प्रवृत्त हो रही है। कह रहे हैं न तो कर्ता यानी कर्तृत्व कर्म और कर्म फल इनका संयोग का सृजन किया है, भगवान ने कोई सृजन नहीं किया है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि भगवान करवा रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि भगवान ये हमसे कर्म करवा रहा है और कर्म फल, भगवान भी कर्म फल से हमारा कोई संयोग नहीं किया। जैसा हम कर्म करते हैं फल हमें उसी अनुसार से मिलता है, इसमें भगवान का कोई संपर्क नहीं है। बल्कि उनका स्वभाव अर्थात जो हम लोगों का स्वभाव है, स्वभाव दो प्रकार का ही होता है, एक विद्या होता है अविद्या होता है, दो ही प्रकार का हम लोगों का स्वभाव है। तो यहां कह रहे हैं कि उनका स्वभाव अर्थात अनादि अविद्या
अनादि विद्या भी होता है, अनादि अविद्या भी होता है, तो अनादि अविद्या ही हम इनमें प्रवृत्त हो रही है। यदि हमारे अंदर कर्तापन आ जाए, कर्तापन हमारे अंदर आने के बाद हम कर्म करते हैं, कर्म के फल आसक्ति हमारी होती है, तो इसमें केवल हमारी अविद्या ही शामिल होती है। अविद्या के द्वारा ही ये सब चीजें संभव होती हैं। अन्यथा यदि हमारे अंदर विद्या होगी, न तो हम कर्ता होंगे और न तो करने वाले होंगे, यानी जो हम कर्म कर रहे हैं और उसका फल, किसी के प्रति हमारा कोई संपर्क संबंध नहीं होगा। तो यहां पे कह रहे हैं ईश्वर ने न लोगों के कर्तृत्व, न कर्म और न ही कर्म फल के संयोग का सृजन किया है। भगवान ने किसी चीज का सृजन इस संसार में नहीं किया है। सब कुछ, यदि कोई प्रॉब्लम हम लोगों के पास आती है तो उसको सृजन करने वाले हम ही लोग होते हैं। प्रॉब्लम क्रिएट हम करते हैं, फिर सॉल्यूशन हम भगवान से मांगते हैं, भगवान अब इसको सुलटाओ। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का कार्य भगवान नहीं करते हम लोगों के लिए। हाँ, जैसा हम लोग करते हैं ठीक उसी तरीके से उसका फल हम लोगों को प्राप्त होता है। अच्छा करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरा करते हैं तो बुरा फल मिलता है। तो स्वभाव ही इसमें यदि हम लोग गलत करते हैं, यदि हम लोग पाप कर्म करते हैं, यदि कर्तापन का अहंकार हम लोगों के आ जाता है, अहम आ जाता है, फल के प्रति यदि आसक्ति होती है, तो भी ये केवल अविद्या से ही होती है। किसी भी प्रकार के फल में आसक्ति यानी अविद्या के कारण ही हो रही है। तो यहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ननु च यदि जीवस्य वस्तुतः कर्तृत्वादि नैवास्ति तरहि परमेश्वर सृष्टे जगति सर्वत्र जीवस्य। कह रहे हैं कि यदि प्रश्न हो कि वस्तुतः जीव के कर्तृत्व आदि नहीं है, तो ईश्वर रचित संसार में सर्वत्र जीव को कर्ता भोक्ता आदि देखकर ऐसा लगता है मानो ईश्वर ने ही बलपूर्वक उनका कर्तृत्व आदि सृष्ट किया हो। कह रहे हैं कि इस संसार में इन सब को कर्तृत्व आदि नहीं है, वस्तुतः कर्तृत्व आदि नहीं है। यदि ऐसा प्रश्न हो तो ईश्वर रचित संसार में सर्वत्र जीवों को कर्ता देखा जाता है, करते हुए कि लोग कर रहे हैं, भोक्ता भोक्ता भी बना हुआ देखा जाता है, आदि को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ईश्वर ने ही इनको बलपूर्वक उनका कर्तृत्व आदि कर्ता और भोक्ता सृष्ट किया है, भगवान ने ही किया है ऐसा देख करके लगता है। यदि ऐसा हो तो परमेश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य आदि दोषों की संभावना हो जाएगी। कह रहे हैं भगवान जीवों के प्रति विषमता का व्यवहार कर रहे हैं और नैर्घृण्य आदि दोषों की संभावना। कह रहे हैं इस प्रकार के जो वैषम्य और नैर्घृण्य आदि दोष हैं, वो दोष होने की भगवान में संभावना हो जाएगी। इन सब की संभावना न हो इसलिए ही भगवान कुछ भी सृष्ट नहीं करते हैं। अगर ऐसा करने लगेंगे भगवान तो भगवान में दोष आ जाएगा, लेकिन भगवान इन सब दोषों के अधिकारी नहीं है, इसलिए ऐसा दोष संभव उनके अंदर नहीं है। इसके उत्तर में कहते हैं नहीं नहीं, न कर्तृत्वम, उन्होंने न तो कर्तृत्व न ही कर्तव्य रूप में कथित समस्त कर्म और न ही कर्म फल का संयोग अर्थात भोगों को सृष्ट किया है, अपितु जीव को कर्तृत्व आदि अभिमान में आरोहण करने के लिए जीव का स्वभाव अर्थात अनादि अविद्या ही प्रवृत्त होती है। इन सब के लिए कह रहे हैं यदि हम भोग में प्रविष्ट होने का प्रयास करते हैं तो ये केवल हमारी अविद्या ही प्रवृत्त होती है, हम नहीं प्रवृत्त होते, यानी जीव प्रवृत्त कभी नहीं होता है। यहाँ पे पीछे श्लोक में जीव की चर्चा हो रही है तो आगे जीव के बारे में ही बताया जा रहा है। बोल रहे हैं जो जीव है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं होता। यदि अभिमान में अवरोहण करने के लिए जीव का स्वभाव अर्थात अनादि अविद्या ही प्रवृत्त होती है, कह रहे हैं वो जीव प्रवृत्त नहीं होता, जीव का स्वभाव प्रवृत्त होता है। स्वभाव मतलब उसकी अविद्या प्रवृत्त होती है, उसमें जीव का कोई भी रोल नहीं होता है। कर्म में जीव का कर्तृत्व नहीं है, कर्म में जो कर्म व्यक्ति करता है उसमें जीव का कोई कर्तापन नहीं है। ऐसा कहने से कोई यह न समझ ले कि एकमात्र परमेश्वर की प्रेरणा से ही जीव कर्म में प्रवृत्त हो रहा है। ऐसा मानने से परमेश्वर में वैषम्य निष्ठुरता आदि दोषों को स्वीकार करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कर्मफल के साथ जीव के संयोग में भी भगवान का कोई कर्तृत्व नहीं है। यह संयोग जीव की अनादि अविद्या के कारण ही होता है अर्थात अज्ञानात्मिका दैवी माया। दैवी माया यानी दैवी माया यानी प्रकृति, जो ऊपर बताया जा रहा है वो दैवी माया यानी प्रकृति जीवों के इस स्वभाव का
प्रवर्तन करती है। प्रकृति यानी अविद्या ही जो जीव के इस स्वभाव का प्रवर्तन करती है। ऐसी अविद्या से उत्पन्न हुई स्वभाव युक्त लोगों को ही परमेश्वर कर्मों में नियुक्त कर देते हैं। ऐसी अविद्या से उत्पन्न हुए स्वभाव युक्त लोगों को ही परमेश्वर कर्मों में नियुक्त कर देते हैं। जिनके अंदर अविद्या आती है, अविद्या युक्त जो लोग होते हैं, जिनका ऐसा स्वभाव होता है, ऐसे लोगों को ही परमेश्वर कर्मों में नियुक्त कर देते हैं। वे स्वयं जीवों में कर्तृत्वादि को उत्पन्न नहीं करते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि इसमें भगवान कभी भी कर्तापन उसमें नहीं उत्पन्न करते हैं। वो व्यक्ति के अंदर अविद्या के कारण ही उसके अंदर कर्तापन आ जाता है। भगवान नहीं लाते कभी, कभी भी भगवान लाने का उसमें कार्य नहीं करते। ऐसा नहीं कि भगवान ने हमारे अंदर ऐसा कर दिया, भगवान की इच्छा है इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूं, नहीं, हमारी अविद्या है ऐसी करवा रही, हमारा स्वभाव है ऐसा वो करवा रहे। और स्वभाव जो है, जो अविद्या है, ये अनादि कहा जा रहा है, ये आज से नहीं, कई जन्मों से ये अविद्या चली जा रही है। उसी के स्वभाव के अनुगत हम लोग होकर के उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ ब्रह्मसूत्र में भी ऐसा कहा गया है, वैषम्य नैर्घृण्य दोषर न सापेक्षत्वा तथा ही दर्शयति। यानी उसमें दोषों का संपूर्ण रूप से मुक्त बताया गया है, परमेश्वर को इन सब दोषों से मुक्त बताया गया है। निष्ठुरता, वैषम्य, ये आदि जो दोष हैं, इनसे मुक्त बताया गया है। भगवान में ये निष्ठुरता, वैषम्य आदि दोष, नैर्घृण्य आदि दोष बिल्कुल नहीं है, इससे उनको मुक्त बताया गया है कि उनके अंदर ये सब चीजें नहीं होती हैं। श्रुति के अनुसार जैसे ब्रह्मा अनादि है, वैसे ही जीवों का कर्म संस्कार भी अनादि है, कर्म संस्कार भी अनादि है। जैसा हम लोग कर्म पूर्व जन्म से करते आ रहे हैं, वही कर्म संस्कार हम लोग पास अनादि से चला आ रहा है, हम लोगों का स्वभाव है। जैसे इस पर संत लोग एक उदाहरण देते हैं कि जैसे हमारा मुख है, हम रोटी तोड़कर उठाते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, ये अभ्यास है। रोटी तोड़कर उठाएंगे मुंह में जाएगा। अगर अंधेरे में भी हम लोग खाते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं नाक में हम लोग डाल देते हैं या आंख में चला जाता है, कान में चला जाता है, नहीं जाता। ये हम लोगों का स्वभाव है, ये जन्मजात स्वभाव है कि हाथ से हम रोटी तोड़ेंगे तो मुख में ही जाएगा, ये स्वभाव है। इसी तरीके से कह रहे हैं ये जो कर्म संस्कार है वो अनादि है। जो हम लोगों को कर्म करने का जो संस्कार हम लोगों के अंदर है वो आज से नहीं है, वो अनादि काल से चला आ रहा है, और उसी स्वभाव में हम लोग ढल जाते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कोई किया रहता है ना, जैसे कहते हैं ना कि जो बैल होता है वो बुढ़ा हो जाने पर भी हराई नहीं भूलता है। जो जोतनी की हराई होती है, जिस तरीके से जोता जाता है, उसके जो टोन होते हैं, जो किसान लोग बोलते हैं, उस टोन को वो नहीं भूलता है। बुढ़ा हो जाएगा तब भी अगर उसको नाद दिया जाएगा जोतने के लिए, तो वो उसी वे में जाएगा, क्योंकि उसका अभ्यास है। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे कहा जा रहा है कर्म संस्कार, यानी आपका अभ्यास, जो आपके अंदर संस्कार है करने का, वो अनादि है, वो आज से नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ना कि आदमी को सुधारते 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 बदलते बदलते बहुत समय लगता है, क्योंकि वो इतना जल्दी उसका संस्कार नहीं बदलता ना। और जिस दिन उसका संस्कार बदल जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो ये हम लोगों का कर्म संस्कार है, कर्म करने का जो संस्कार है, ये आज का नहीं, ये बहुत पहले का है, अनादि काल से। यहां एक उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं ब्रह्मा जैसे अनादि हैं, वैसे हम लोगों का कर्म संस्कार भी अनादि है, वैसे हम लोगों का कर्म संस्कार अनादि है। परमेश्वर उन कर्मों के संस्कार के अनुसार जीवों को उत्तरोत्तर नियुक्त मात्र करते हैं। किसके अनुसार नियुक्त करते हैं जीवों को? कह रहे हैं कर्मों के संस्कार के अनुसार ही नियुक्त करते हैं। कर्म के संस्कार जानवरों के हैं तो हम लोगों को जानवरों नियुक्त कर देते हैं। कर्म संस्कार हमारे बदलते 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 बदलते, यदि आदमी जैसा कर्म संस्कार हो गया तो हम लोग आदमी में आ जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसा हमारा कर्म संस्कार होगा उसी के अनुसार जीवों को उत्तरोत्तर नियुक्ति होती रहती है। वैसा भगवान नियुक्त करते रहते हैं कि आप ये बन जाओ, आप ये बन जाओ, आपके अंदर ये गुण है तो ऐसा करना चाहिए, वो गुण है तो वैसा करना चाहिए। ये सब चीजें भगवान कभी भी अपने मन से कभी नहीं करते कि चलो तुम हमारे बहुत प्रेमी हो तो तुम हमको यहां डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे कर्म अच्छे थे इसलिए ऐसा हुआ। तो कर्मों के अनुसार ही, कर्म संस्कार के अनुसार ही जीवों को उत्तरोत्तर नियुक्त मात्र करते हैं भगवान। भगवान केवल एक आप कह सकते हैं, जैसे होता नहीं कि बैंक में जब हम लोग पैसा जमा करते हैं, जैसे डिपॉजिट हम लोग करते हैं, जब हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक क्या करता है? बैंक केवल रखने का कार्य करता है और उसका जो पैसा जोड़ करके हिसाब करने का काम करता है। बैंक हमें पैसा नहीं दे रहा है,
हमारे पैसे का पैसा तैयार हो रहा है, वो बैंक हमें दे रहा है, तो वो केवल एक पैसा लेने देने का और रखने का कार्य कर रहा है, उसमें बैंक कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि वो बैंक चाहे तो हम 1 लाख जमा करें तो 5 लाख हमको दे देगा, या हम नहीं जमा करें हैं तो हमें दे सके, कुछ नहीं। जितना हम पैसा जमा किए हैं उसका हिसाब अगर 5% से जो हमें ब्याज मिल रहा है वो ब्याज उठा करके दे दिया, वो लेने देने का केवल कार्य कर रहा है उसमें, और उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसी तरीके से भगवान है, जितना हम लोग जमा किए हैं भगवान के पास उतना हमको मिल रहा है, उतना ही हमको मिल रहा है, उससे न तो भगवान ज्यादा कर सकते हैं न तो कम कर सकते हैं। भगवान तो एक तरीके का आप कह सकते हैं कि जैसे मैच में अंपायर होता है, भाई आउट हो गया तो आउट दे दिया, 4 रन गया तो 4 रन दे दिया, 6 गया तो 6 दे दिया, उसका काम है डिसीजन करना। ऐसा नहीं कि नंबर नहीं बढ़ा सकता, रन नहीं बढ़ा सकता, अपने मन से आउट नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो ये भगवान केवल एक नियुक्त करते हैं, ऐसा एक आधार बस है, माध्यम है, बाकी जो हम किए रहते हैं उन्हीं के अनुसार ही हमको प्राप्त होता है और कुछ नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है हम जैसा करते हैं वैसा ही हमको प्राप्त होता है, वैसा ही हमको प्राप्त करता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, भगवान ने हमें क्यों लंगड़ा बना दिया, हमें क्यों अंधा बना दिया, हमें क्यों सुंदर नहीं बनाया, उसको क्यों सुंदर बना दिया, हमें ये चीज क्यों नहीं मिला, उसको क्यों मिल गया, हमें क्यों फेल करवा दिया, उसको क्यों पास करवा दिया। भाई जिसका जैसा प्रारब्ध है, जिसका जैसा कर्म है, वो अपने कर्म के अनुसार ही पाता है, कर्म के अनुसार ही पाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि नियुक्त मात्र करते हैं वो, केवल उत्तरोत्तर हम लोगों के कर्मों के अनुसार वो नियुक्त करते हैं, भाई ऐसा करके आए हो अब तुमको यहाँ जाना है, ये तुम करो बस। ये हम लोगों का प्रारब्ध अच्छा है जो हम लोग भजन मार्ग में हैं, भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, शायद ऐसा हम लोगों का कुछ ऐसा कर्म रहा होगा। अतः परमेश्वर में वैषम्य आदि का दोष युक्ति संगत नहीं है, उनमें इस तरीके का जो दोष कहा जाता है कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने हमारे बेटे को मार दिया, भगवान ने हमारी पत्नी को छीन लिया, हमारा परिवार बर्बाद कर दिया, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान कुछ नहीं करते। अब जो गांधारी थी, गांधारी ने कछुए के 100 अंडों को फोड़ डाला था पानी का मटका रख करके, तो गांधारी के 100 बच्चे मारे गए, उसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान तो वैसा रास्ता बनाएंगे ही ना, भगवान वैसा ही रास्ता बनाएंगे कि तुम्हारे 100 बेटे मारे जाएं, उसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान का कोई दोष नहीं, तुमने ऐसा किया था इसलिए तुमको मिल गया। अब हम लोगों को याद नहीं है कि हम लोग पूर्व जन्म में कितना पाप किए हैं, कितना अच्छा कार्य किए हैं, हम लोगों को याद नहीं, इसलिए हम लोग दोष, इसी को कहा जाता है अविद्या, हम लोग इसीलिए दोषारोपण करते हैं भगवान पे। लेकिन भगवान कह रहे हैं दोष युक्ति संगत नहीं है, ये जो दोषारोपण हम लोग करते हैं भगवान पर यह युक्ति संगत नहीं है। भविष्य पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि कर्म संस्कार के अनुसार ही श्री विष्णु, जो भगवान विष्णु हैं, जीवों को स्थूल कर्मों में नियुक्त करते हैं। जो स्थूल कर्मों में हम लोग नियुक्त होते हैं वो हम अपने संस्कारों के अनुसार ही नियुक्त होते हैं, जैसा हमारा संस्कार होता है उसी तरीके से हम लोग नियुक्त हो जाते हैं। इसलिए जीवों के संस्कार अनादि होने के कारण परमेश्वर किसी भी प्रकार दोष के भागी नहीं होते, भगवान पे कोई भी दोषारोपण नहीं किया जा सकता, और न तो कभी भगवान के एक्सक्यूज देना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, बिल्कुल कभी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं वहां पे हमारा ही लोभ मोह, ये सारी चीजें जो हमारे अंदर हैं वही हमारे सामने आती हैं हमें दुख देने के लिए, इसलिए परमेश्वर किसी भी दोष के भागी नहीं होती है। यदि कहो कि कर्म संस्कार के अनुसार ही परमेश्वर जीवों को कर्म प्रवृत्त करते हैं तो ऐसा मानने से ईश्वर भी स्वाधीन नहीं, वरम कर्म परतंत्र है, कर्म के परतंत्र है, वो भी कुछ नहीं कर सकते, चाह करके भी नहीं कर सकते। एक बार एक संत थे, वो मतलब कि अपने बेटों के प्रति बड़ा उनका लाड प्यार था, तो धीरे धीरे करके बुढ़े हो गए, और बुढ़े होने के बाद वो शौच आदि एक ही स्थान पे किया करते थे, एक ही स्थान पे किया करते थे, तो कभी ज़रूरत पड़ती थी तो बच्चों को बुलाते थे, बच्चे आते थे, हाथ पकड़ के ले जाते थे, शौच आदि करवाते थे, उनको निवृत्त करवाते थे, और फिर लाते थे, बिस्तर पर बैठा देते थे, बैठ जाते थे। तो कभी कभी धीरे धीरे करके, और जब बुढ़े हो गए तो फिर उठने में असमर्थ हो गए तो फिर रात को कभी कभी ऐसा अगर उनको शौच आदि की अगर समस्या होती थी तो अपने बेटों को बुलाते थे,
एक बार बुलाते थे, दो बार बुलाते थे, तीन चार बार बुलाने पर कभी आते थे कभी नहीं आते थे। बहुत समय ऐसा होता था कि बिस्तर पर ही निवृत्त होकर के उसी मलमूत्र में पड़े रहते थे। तो एक दिन 12 बजे रात उनको शौच जाना था, उन्होंने बुलाया और जैसे ही बुलाया वैसे ही तुरंत दूसरे क्षण ही एक बालक आकर के खड़ा हो गया। आकर के खड़ा हुआ, वो बड़ा उनका कोमल स्पर्श था, हाथों का जो स्पर्श था बहुत कोमल स्पर्श था। उन्होंने उनको ले जा करके उनको निवृत्त करवाया, निवृत्त करवा के फिर ला करके बिस्तर पर छोड़कर चले। फिर उसके बाद दूसरे दिन रात हुई, फिर दूसरे दिन भी बुलाए, वो आता था चला जाता था बच्चा। फिर तीसरे दिन चौथे दिन ऐसे वो आने लगा। तो एक दिन वो बाबा बहुत भजनानंदी थे, तो उनके अंदर ऐसा जो भाव था कि भाई मैं पहले जो हमारे बेटे इतने तो अच्छे नहीं हैं कि एक बार में बुलाने से आ जाएं, एक बार मैं बुलाता हूँ और ये बच्चा आ जाता है, ये है कौन, ऐसा उनके अंदर उनके मन में ऐसा भाव आया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जब भी बुलाते हैं तो वो एक मिनट में दूसरे क्षण ही आकर के उपस्थित हो जाता है, तो आखिर ये है कौन, उनके मन में आया। तो एक दिन रात को जब बुलाए और वो बच्चा आया तो जब उनको निवृत्त करवा रहा था उसी समय उसका हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए, बोले कि पहले बताओ कि आप हो कौन, आप कौन हो, क्योंकि हमारे बेटे तो इतने अच्छे नहीं हैं कि वो एक बार में बुलाएं और एक बार में ही वो आ जाए, हमारे बेटे इतने लायक नहीं है, आप बताओ कौन हो। जब इतना पूछे तो उस कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन करवाया, भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन करवाए और बाबा उनका दर्शन करके रोने लगे, रोने लगे और बोले आप अपने हाथों से हमें निवृत्त करवाते थे, अगर आप अपने हाथों से हमें निवृत्त करवा देते थे, करवाते हैं तो आप क्यों नहीं हमारे पापों को ही काट देते हैं, आप हमारे पापों को ही काट दीजिए, मैं क्यों भोग रहा हूं, आप हमें मुक्त कर दीजिए। बोले भगवान कि मुक्त तो मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो आदमी का कर्म फल है, जो आदमी का प्रारब्ध है, उसको भोगना ही पड़ेगा, उसको भोगना ही पड़ेगा, उसको मैं भी नहीं काट सकता। हां आप हमारे परम भक्त हैं इसलिए मैं आपके साथ रह करके आपके कर्म फलों को कटवा रहा हूं, भगवान स्वयं उपस्थित होकर के उसके कर्म को कटवा रहे हैं। भगवान स्वयं बोले कि मैं आपके कर्म फल को कटवा सकता हूं लेकिन काट नहीं सकता, आप हमारे परम भक्त हैं इसलिए मैं आपके साथ में रह करके आपके कर्म फल को कटवा करके और आपको मुक्त करना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं आपको आज मुक्त कर दूं, यदि मैं चाहूं तो आपको मुक्त कर सकता हूं लेकिन कर्म फलों से मैं मुक्त नहीं कर सकता, कर्म फल से मुक्त नहीं कर सकता, जो आपका प्रारब्ध है उससे मैं मुक्त नहीं कर सकता, उससे मैं मुक्त नहीं कर सकता, इसलिए आपको मैं चाहता हूं कि आप मुक्त होकर के इस आवागमन से आप मुक्त हो जाओ, अन्यथा यदि आपको यदि आज हम मुक्त कर देंगे तो कल आपको पुनः आना पड़ेगा उस प्रारब्ध को भोगने के लिए, कल पुनः आना पड़ेगा उस प्रारब्ध को भोगने के लिए, इसलिए आपके साथ रह करके मैं आपके प्रारब्ध को कटवा रहा हूं, मैं आपके प्रारब्ध को कटवा रहा हूं। इसलिए भगवान का इसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है, भगवान का भक्त होने के बाद तो भगवान भी आकर के हम लोगों के साथ हम लोगों का प्रारब्ध भगवान कटवाते हैं, क्योंकि जो प्रारब्ध होता है वो तीन प्रकार का होता है, मंद, तीव्र और तीव्रतम होता है। तो जो मंद होता है ना वो तो कट जाता है, जो मंद होता है वो कट जाता है, तीव्र भी नाम आदि जप करने से कट जाता है, लेकिन जो तीव्रतम होता है वो नहीं कट पाता, वो नहीं कट पाता, उसको काटने के लिए हम लोगों को साधु संग, नाम जप इत्यादि करना पड़ेगा, इत्यादि करना पड़ेगा, उसको हमें भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, उसको कोई नहीं काट सकता, उसको भगवान भी नहीं काट सकते, नहीं काट सकते। तो इसलिए जो हम लोगों का प्रारब्ध है वो प्रारब्ध को हम लोगों को भोगना पड़ता है, इसमें भगवान का कोई भी किसी भी प्रकार का भगवान का कोई भी दोष नहीं है कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, भगवान कुछ भी नहीं करते, भगवान एकदम इन सब चीजों में स्वतंत्र रहते हैं, भाई जैसा किए हो वैसा भरो। इस यह मानना पड़ेगा
कर्म परतंत्र हैं, यह मानना पड़ेगा। इसके उत्तर में कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मूलतः कर्म सत्ता भी ईश्वर के अधीन रहने के कारण अनादि जीव स्वभाव के अनुरूप ही परमेश्वर जीवों को कर्म प्रवृत्त करते हैं। वही कह रहे हैं कि उनके कर्मों में प्रवृत्त उनके स्वभाव के अनुसार ही किया जाता है उनको। ईश्वर इस स्वभाव को पलट देने में समर्थ होने पर भी ऐसा नहीं करते हैं। भगवान इस स्वभाव को पलट देने में समर्थ होने पर भी ऐसा नहीं करते, इस प्रकार वे सभी अवस्थाओं में वैषम्य रहित हैं। कह रहे हैं कि उनके अंदर किसी भी प्रकार का वैषम्य भाव नहीं, यानी विषम भाव नहीं, किसी प्रकार का विषम भाव नहीं। ऐसा नहीं कि हमारा ये भक्त हो गया तो हम इसका पलट देंगे, नहीं पलटेंगे किसी का नहीं। वो चाहे पापी हो तो पापी को दोष देते हैं, और वो अगर कह सकते हैं अगर पुण्यवान है तो उसका उसको फल देते हैं, दोनों का फल भगवान देते हैं उसको। किसी भी प्रकार से भगवान उस दोष को अपने ऊपर नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं लेते हैं। भगवान समर्थ हैं करने के लिए, लेकिन अगर ऐसा कर देंगे तो कह रहे हैं वैषम्य दोष हो जाएगा। लेकिन भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते, और भगवान अपने पक्ष भक्तों का हमेशा पक्ष लेते भी। कैसे पक्ष लेते हैं, अब कुछ लोग कहेंगे कि अभी आप कह रहे हैं कि पक्ष नहीं लेते तो फिर कह रहे हैं कि पक्ष लेते, कैसे पक्ष नहीं लेते हैं? जैसे संत का वो कर्म पलट नहीं दिए, लेकिन उनके साथ आ करके उनके कर्म को कटवा रहे हैं, तो भगवान तो साथ दे ही रहे ना। भगवान अपने सानिध्य में लेकर के हमारे पाप को कटवाएं तो इससे अच्छा क्या है। भगवान कटवाते हैं, काटते नहीं हैं, लेकिन कटवाते हम लोगों के साथ रह करके। इसलिए भगवान का इन सब चीजों में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं देखा जाता, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं पाया जाता। अगला श्लोक, ना दत्ते कस्य चित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते कस्य चित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभु, न कस्य चित् पापम आदत्ते न च एव सुकृतम अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम तेन जन्तवः मुह्यंती। कह रहे विभु यानी परमेश्वर, विभु न कस्य चित, परमेश्वर न किसी के पापम पाप को आदत्ते ग्रहण करते हैं, न च एव सुकृतम और न ही पुण्य को ग्रहण करते हैं। अज्ञानेन अविद्या द्वारा ज्ञानम जीव का स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान आवृतम आच्छादित है, तेन उसी से जंतव सभी जीव मुह्यन्ति मोहित हो रहे हैं। कह रहे हैं कि परमेश्वर न किसी के पापों को और न ही पुण्यों को ग्रहण करते हैं। भगवान न तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं, न तो किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं। भगवान को आपके पाप और पुण्य से कोई मतलब नहीं है। आप पाप करोगे तो भोगो, पुण्य करोगे तो अच्छी बात है, पैसा कमाएंगे तो हमें सुख मिलेगा, नहीं कमाएंगे तो हमें दुख मिलेगा, इसमें भगवान का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। तो भगवान न तो हमारे पाप को ग्रहण करते हैं, न तो हमारे पुण्य को ग्रहण करते हैं। पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं भगवान को, जो करना है पाप करना है पाप करो, पुण्य करना है पुण्य करो, ग्रहण करते हैं। अविद्या द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान आच्छादित हो जाता है। जो अविद्या है, जो स्वभाव है, उसी के द्वारा हमारा जो ज्ञान है वो आच्छादित होता है, यानी ढक जाता है, हमारा ज्ञान ढक जाता है, उसी से समस्त जीव मोहित हो रहे हैं। हमारा ज्ञान ढकने के कारण ही हम मोह में पड़ जाते हैं, केवल ज्ञान न होने के कारण ही हम मोहित होते हैं। यदि हमारे पास ज्ञान हो जाए तो मोहित होने का कोई कारण नहीं रहता, कोई कारण नहीं होता, केवल एक ही कारण है, अज्ञान अविद्या। अविद्या के कारण ही हम मोह जाल में फंसते हैं, अविद्या के कारण। जैसे ही हमारा ज्ञान आवृत्त होता है वैसे ही हम मोह में ढक जाते हैं, वैसे मोहित हो जाते हैं, नहीं तो कभी भी हम लोगों को मोह न हो, अविद्या के कारण ही हम लोगों को मोह होता है। तो यहां विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, जिस कारण से ईश्वर अच्छे और बुरे कर्मों के प्रवर्तक नहीं है। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार से भगवान ईश्वर जो है अच्छे और बुरे कर्मों के प्रवर्तक नहीं है,
यानी अच्छे और बुरे कर्म करवाने वाले भगवान नहीं है। उसी कारण से वे पाप पुण्य के भी भागी नहीं है, वो पाप पुण्य के भी भागीदार नहीं है। पाप करो चाहे पुण्य करो, इसीलिए कहते हैं ना दत्ते इत्यादि। किंतु उनकी जो अविद्या शक्ति है वही जीव के ज्ञान को आवृत करती है। अब या कह रहे हैं अविद्या शक्ति यानी माया शक्ति, जो माया शक्ति है वही ज्ञान को आवृत करती है। आवृत करती है इसलिए कहते हैं अज्ञानेन अर्थात अविद्या द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान आवृत हो जाता है। अविद्या के द्वारा उसका जो स्वाभाविक ज्ञान है, उसका जो मूल ज्ञान है, वो व्यक्ति का आवृत हो जाता है यानी ढक जाता है। और ज्ञान ढकने के कारण वह व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, वो करता तो है लेकिन अच्छा कार्य नहीं कर पाता। इसलिए जीव का स्वाभाविक ज्ञान आवृत हो जाता है। इसी कारण से जीव मोहावस्था को प्राप्त होता है। किस कारण से मोहावस्था को प्राप्त होता है? कह रहे हैं कि जीव ज्ञान आवृत होने के कारण ही, जीव आवृत, ज्ञान उसका आवृत हो गया, उसका ज्ञान ढक गया, इसलिए वो मोहावस्था को प्राप्त हो गया। और मोह ही रामचरितमानस में बोले हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये सारे दुखों का मूल कारण क्या है? इन सारे दुखों का मूल कारण जो है वो है मोह। लोग कहते हैं कि कभी कभी सुनने में आता है कि एक जब बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है तो इतना नाजुक होता है कि उसको दिन है कि रात है कुछ नहीं पता होता। दिन रात चे पे चिल्लाता रहता है, माँ बाप को परेशान करता रहता है। अगर उतना कोई परेशान करे तो आदमी छोड़ करके कहीं दूर चला जाए, लेकिन वहां पे भगवान ने उसके अंदर जो मोह पैदा कर दिया है, माँ के अंदर बच्चे के प्रति जो मोह पैदा किया है, इसीलिए वह बच्चा पल जाता है, इसीलिए वो बच्चे का पालन पोषण हो जाता है। यदि माँ बाप के अंदर मोह यदि न हो तो उस बच्चे का पालन पोषण नहीं होता। नहीं, रात को भी चिल्लाता रहता है तो माँ बाप उठ करके उसको सोचते हैं सो जाए, चुप हो जाए। केवल मोह ही करवाता है, मोह ही उसका पालन पोषण करवाता है, अन्यथा कोई पालन पोषण नहीं करेगा। इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही हमारे सारे दुखों का मूल कारण है। मोह के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है, मोह ही सब कुछ। और मोह क्या है? ये अविद्या ही है। इस कारण जीव मोहावस्था में पड़ता है, उसका ज्ञान आवृत होने के कारण ही मोहावस्था में पड़ता है। भगवान विभु अर्थात व्यापक एवं अपरिमित हैं, वे विज्ञानानंदपूर्ण अनंत शक्ति संपन्न है। वे सदा सर्वदा स्वरूपगत आनंद सागर में निमग्न रहते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि भगवान को हम लोग आनंद दे रहे हैं, हम लोग क्या आनंद दे रहे हैं? भगवान कहां निमग्न रहते हैं? कह रहे हैं स्वरूपगत आनंद सागर में। वो तो खुद ही एक प्रकार के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, वो स्वयं में डूबे रहते हैं। हम लोगों के आनंद की जो हम लोग सोचते हैं ना कि हम भगवान को आनंद दे रहे, पहले तो हम लोग आनंद दे नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी देने की चेष्टा करते हैं। तो कहा जाता है ना कि भगवान यदि करोड़पति है, यदि कोई भी व्यक्ति को आप ले लीजिए करोड़पति है, फिर भी उसको हम कुछ दें, एक दो रुपए अगर दें उसको, तो वो प्रेम से स्वीकार कर ले तो यानी वो उसकी कृपा है। नहीं तो जो करोड़पति लोग हैं उनको 10 रुपए दिखाइए, उठा करके फेंक देंगे, हम तुमसे भीख मांग रहे हैं, नहीं लेगा, उसके अंदर अभिमान आ जाता है। लेकिन भगवान स्वस्वरूपगत में निमग्न रहते हैं, स्वस्वरूपगत आनंद सागर में निमग्न रहते हैं, फिर भी जो कुछ भी हमसे टूटा फूटा प्रेम बन सकता है हम लोग देते हैं, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये भगवान की हम लोगों पे बड़ी विशेष कृपा है। उनको जरूरत नहीं है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्वीकार कर लेते हैं, ये भगवान की महती कृपा है। इसलिए वो अपने ही आनंद सागर में निमग्न रहते हैं। इसलिए अन्यत्र उदासीन रहने के कारण वे सत्कर्म और असत्कर्म के प्रवर्तक नहीं है। भगवान हमेशा अपने आनंद सागर में निमग्न रहते हैं और अन्य जगह वो कह रहे हैं उदासीन रहते हैं, अन्य जगह उनका कोई क्रियाकलाप नहीं दिखता है, किसी प्रकार का कोई क्रियाकलाप नहीं दिखता, इसलिए अन्यत्र वो उदासीन रहते हैं। लेकिन एक्टिव कहां रहते हैं? हमेशा अपने स्वरूपगत आनंद सागर में वो हमेशा। तो इसलिए जब वो उदासीन रहते हैं, एकदम उदासीन रहते हैं, तो सत्कर्म और असत्कर्म के प्रवर्तक नहीं है वो हमारे। किंतु आत्मा राम और
तो काम भगवान की अविद्या शक्ति के द्वारा स्वरूपगत और स्वाभाविक ज्ञान आच्छादित होने के कारण बद्ध दशा प्राप्त जीव का जड़ देह में आत्म अभिमान होता है। क्या कह रहे हैं? अविद्या शक्ति के द्वारा स्वरूपगत और स्वाभाविक ज्ञान आच्छादित हो जाता है। स्वरूपगत और स्वाभाविक ज्ञान क्या होता है? आच्छादित हो जाता है, और वही होने के कारण ही जीव मोहवशतः अपने कर्म करता अभिमान करता है। कह रहे हैं व्यक्ति के अंदर देहात्मा अभिमान यानी जड़ देह में आत्म अभिमान होता है, किस लिए? जब उसका स्वरूपगत और स्वाभाविक ज्ञान आच्छादित हो जाता है तब। ज्ञान के ही बारे में बताया जा रहा है, इसलिए देहात्म बुद्धि के कारण ही वह मोहवश होता है। देहात्म बुद्धि जब उसके आ जाती है अंदर कि मैं ही हूं देह, देह को ही वह आत्मा मान लेता है, इसीलिए वह मोहवशतः अपने में कर्मकर्ता का अभिमान करता है। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा कहा गया है, ना दत्त आत्मा ही गुणम न दोषम न क्रिया फलम उदासीन वदासीन परावर दृगीश्वर। कह रहे हैं जैसे कि चित्रकेतु महाराज के मृत पुत्र का जीवात्मा शोक संतप्त चित्रकेतु महाराज को यह उपदेश दे रहा है, स्वयं पुत्र उपदेश दे रहा है महाराज चित्रकेतु को, आत्मा सुख दुख अथवा कर्म फल से प्राप्त राज्य इत्यादि कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। ये वहां भी जड़ भरत ने भी सिंधु सवीर देश के राजा रघुगण को भी यही बात वहां पे समझाया था। जब वहां पे राजा रघुगण ने कहा था कि एक पात्र में पानी ले लिया जाए, पानी में चावल डाल दिया जाता है और नीचे से आग लगाई जाती है तो चावल पक जाता है, तो बिना संबंध के वो कैसे पक जाता है? तो वहां पे उन्होंने भी यही उपदेश दिया था जड़ भरत ने उसको कि आत्मा सुख और दुख अथवा कर्म फल से प्राप्त राज्य इत्यादि कुछ भी ग्रहण नहीं करता, कुछ ग्रहण नहीं करता यानी जीव का और शरीर का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, इसलिए वह ग्रहण नहीं करता है। वह ग्रहण नहीं करता, वह कारण और कार्य का साक्षी केवल है कि कैसे हमें इस शरीर की प्राप्ति हुई, इसका साक्षी वो है क्योंकि वो जानता है। हमें सुअर का शरीर मिला तो वो साक्षी बनकर के उसमें भी वो रहता है, केवल वो साक्षी मात्र है, उसका कोई उसमें रोल नहीं, वो साक्षी है। जैसे कहा जाता है ना कि एक पेड़ पर दो चिड़िया बैठी है, एक चिड़िया खूब खा रही है और एक चिड़िया केवल देख रही है, वो कहती है ठीक ठीक खाओ 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 आगे चल करके पता चलेगा, तो वो केवल साक्षी बस है, वो केवल देख रही है बैठ करके, साक्षी है। तथा देहा देह आदि के परतंत्र न हो करके उदासीन की भांति अवस्थान कर रहा है, वह परतंत्र न हो करके उदासीन की भांति अवस्थान कर रहा है, वो उदासीन की भांति है, मतलब कह सकते हैं आपकी है अंदर लेकिन उदासीन है, उसका कोई उसकी कोई एक्टिविटी हम लोगों को दिखाई नहीं देती, एकदम उदासीन है, किसी कार्य से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, तुम चाहे जो करना चाहो वो स्वतंत्र हो आप करो, लेकिन हाँ वो साक्षी है, वो बैठ के देखेगा जरूर आपको कि आप क्या कर रहे हो, वो बस देखेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि परमेश्वर न किसी के पाप को और न ही पुण्य को ग्रहण करते हैं, अविद्या द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान आच्छादित हो जाता है, अविद्या के द्वारा उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान आच्छादित हो जाता है, उसका ज्ञान ढक जाता है और ज्ञान ढकने के कारण ही उसको मोह होता है, अज्ञानता के कारण ही मोह होता है। यदि व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो तो वह मोह के वशीभूत कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है, इसलिए उसका ज्ञान आच्छादित होता है और ज्ञान आच्छादित होने के साथ ही वह जीव मोहित हो जाता है, वह जीव मोहित हो जाता है। अगला श्लोक, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम ये सामनासित मात्मनः तेसामादित्य वज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम ये सामनासित मात्मनः तेसामादित्य
त्यवज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अन्वय, तू एसाम तत अज्ञानम आत्मनः ज्ञानेन नासितम तेसाम ज्ञानम आदित्यवत यानी सूर्य के समान प्रकाशित आदित्यवत तत्परम प्रकाशयति। कह रहे हैं तू किंतु येसाम तद अज्ञानम जिनका वह अज्ञान आत्मनः ज्ञानेन जीव विषयक ज्ञान से नासितम विनष्ट हो गया है तेसाम ज्ञानम उनका ज्ञानम ज्ञान आदित्यवत सूर्य के समान प्रकाशित होकर तत्परम अप्राकृत परम तत्व को प्रकाशयति प्रकाशित कर देता है। कह रहे हैं कि किंतु जिनका वह ज्ञान वह अज्ञान भगवान के ज्ञान से विनष्ट हो गया है जिनका वह अविद्या जो है वह भगवत तत्व के ज्ञान से वह अज्ञान जिसका विनष्ट हो गया है उनका वह ज्ञान ही सूर्य के समान प्रकाशित होकर के अप्राकृत परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश जब होता है कोई भी प्रकाश जब किसी वस्तु पर अंधेरे में जैसे अगर कोई वस्तु रखी गई है यदि टार्च मारा जाए तो वह जो वस्तु है वह प्रकाशमान हो जाती है वह दिखाई देने लगती है। तो जो अविद्या के कारण जो हम लोगों के अंदर जो ज्ञान था वो ढक गया जो तत्व था वो ढक गया वो एक तरीके से ढका हुआ था वो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही वो भगवत तत्व के ज्ञान से वह अज्ञान नष्ट हुआ वैसे ही जैसे सूर्य के प्रकाश से कोई वस्तु प्रकाशित होकर के दिखाई देने लगती है उसी तरीके से वह हम लोगों को दिखाई देने लगता है। अप्राकृत परम तत्व जो प्राकृत नहीं है अप्राकृत है वह परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। परम तत्व को प्रकाशित करने वाला कौन है ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान जो है वो परम तत्व को प्रकाशित कर देता है सूर्य के समान प्रकाशित होकर के। जैसे सूर्य प्रकाशित होकर के इस संसार के सारे वस्तु को दृश्यमान कर देता है ठीक उसी तरीके से वो जो हम लोगों का अज्ञान जो था वो नष्ट हुआ हम लोगों का ज्ञान जो था वो प्रकाशमान हुआ वो प्रकाशमान होने के कारण हम लोगों का जो तत्व था हम लोगों के अंदर अप्राकृत जो तत्व था परम तत्व था वो प्रकाशित हो गया। इसलिए व्यक्ति को थोड़ा सा तत्व ज्ञान रखने की आवश्यकता होती है थोड़ा सा तत्व ज्ञान रखने की आवश्यकता इसलिए भी होती है ताकि उसको मोह न हो संसार से। यदि वह मोह में चला गया यदि वह मोह में फंस गया तो ज्ञान ग्रहण भी नहीं कर पाएगा और तत्व को पहचान भी नहीं पाएगा वो तत्व को जान भी नहीं पाएगा। मैं कौन वो ये नहीं जान पाएगा हमारे गुरुदेव कौन है ये वही नहीं जान पाएगा हमारे भगवान कौन है वो यही नहीं जान पाएगा वो कुछ नहीं जान पाएगा। तो इसलिए इन सब चीजों का हमें ज्ञान हो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा भगवान के ज्ञान की आवश्यकता होती है भगवान के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो यहां कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का कहना है यथा अविद्या तस्य ज्ञाना ज्ञान मा वृणोति तथैवा परा तस्य विद्या शक्तिर विद्याम विनाश्य ज्ञानम प्रकाशयति इत्यर्थः। कह रहे हैं कि जिस प्रकार अविद्या शक्ति जीवों के ज्ञान को आवृत करती है जो अविद्या शक्ति है वो जीवों के ज्ञान को ढक देती है आवृत कर देती है जिस प्रकार आवृत करती है उसी प्रकार उनकी विद्या शक्ति अज्ञान अविद्या को नष्ट कर ज्ञान का प्रकाश करती है। देखिए ये दोनों चीजें देखी जाती हैं कि कहीं कहीं ज्ञान अज्ञान पर हावी हो जाता है और कभी कभी अज्ञान ज्ञान पर हावी हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर
यदि आपके अंदर ज्ञान हुआ तो वो अज्ञान ढक जाएगा, और यदि आपके अंदर ज्ञान की कमी हुई तो अज्ञान हावी हो जाएगा उस पर। इसलिए ज्ञान को हम लोगों को उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ ले जाना चाहिए। वो जो अज्ञान है उस पर हावी नहीं हो पाता है, और ज्ञान को अज्ञान को हावी न होने देने के लिए भी हम लोगों को ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए कह रहे हैं जिस प्रकार अविद्या शक्ति जीवों के ज्ञान को आवृत्त कर देती है, उसी प्रकार उनकी विद्या शक्ति अज्ञान, जो अज्ञान है अर्थात अविद्या को नष्ट कर ज्ञान को प्रकाश करती है, ज्ञान को प्रकाश करती है। ज्ञान अर्थात विद्या शक्ति, ज्ञान जो है विद्या शक्ति द्वारा अज्ञान अर्थात अविद्या को नष्ट कर देती है। अविद्या को, ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट करने वाला है, अन्यथा अज्ञान को कोई नहीं नष्ट कर सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता, ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य की रश्मि अंधकार का विनाश कर घटपट आदि का प्रकाश करती है, कह रहे हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणें, सूर्य की रश्मि, सूर्य की किरणें अंधकार का विनाश कर, अंधकार का नाश करके इस संसार के घटपट यानी प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार विद्या अविद्या का नाश कर जीवनिष्ठ उस परम अप्राकृत ज्ञान का प्रकाश करती है। अप्राकृत ज्ञान कह रहे हैं, अप्राकृत ज्ञान मतलब वो प्राकृत ज्ञान नहीं है, जो भगवत ज्ञान है वो प्राकृत ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो किसी ने यहां से लिख दिया या यहां से ज्ञान दे दिया। अप्राकृत मतलब वो स्वयं भगवान द्वारा प्रदत्त किया गया है, ज्ञान स्वयं भगवान द्वारा प्रदत्त किया गया है। ये गीता का ज्ञान स्वयं भगवान ने दिया है, ये किसी ऋषि महात्मा संत इत्यादि किसी के द्वारा ये रचित नहीं है। ये जो भगवत तत्व का ज्ञान है, स्वयं भगवान ने ब्रह्मा को यह ज्ञान दिया, और ब्रह्मा ने फिर नारद को दिया, फिर नारद ने व्यासदेव को दिया। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये किसी संत महात्मा या ऋषि के द्वारा, बहुत लोग कहते हैं अरे इस भागवत को तो किसी आदमी ने ही लिखा है ना, ये व्यासदेव जैसे लोग लिखे हैं। वो व्यासदेव जैसे लोग कहता है, यानी वो व्यासदेव को भगवान नहीं मानता है, व्यासदेव ने केवल उसको अंकित करने का कार्य किया है, लेकिन वो जो ज्ञान है, जो वो अप्राकृत जो ज्ञान है, उसको स्वयं भगवान ने दिया है, भगवान ने स्वयं दिया है। इसलिए भगवान दिए हैं, इस कारण वह जो ज्ञान है वह अप्राकृत ज्ञान है। अप्राकृत ज्ञान वो प्राकृत ज्ञान नहीं है। प्राकृत ज्ञान वो होता है जो हम हमारे द्वारा या हम लोगों द्वारा कुछ अगर कोई चीज बनाई जाती है, वो कहते हैं प्राकृतिक है, वो हम लोगों ने बनाया है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है, ये अप्राकृतिक है, यानी ये भगवान के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुई है, भगवान के द्वारा प्राप्त हुई। घटपट आदि का प्रकाश करती, उसी प्रकार विद्या, उसी प्रकार विद्या अविद्या का नाश कर जीवनिष्ठ उस परम अप्राकृत ज्ञान का प्रकाश करती है। इसलिए परमेश्वर न किसी को बांधते हैं और न ही किसी को मुक्त करते हैं। भगवान किसी को बांधते नहीं है, न तो किसी को मुक्त करते हैं। अपने पीछे सुना कि संत कहा कि आप हमें मुक्त कर दो, जब आप हमें निवृत्त करवा सकते हो तो आप हमें मुक्त क्यों नहीं कर सकते हैं। बोले हम मुक्त नहीं कर सकते, मुक्त करेंगे अभी मुक्त कर देंगे तो तुमको पुनः जन्म लेकर के आकर के उसको काटना पड़ेगा, इसलिए मुक्त नहीं करेंगे। हाँ आप हमारे भक्त हो, आपके साथ रह करके मैं आपके प्रारब्ध को कटवा रहा हूं, आपकी मदद कर सकता हूं, मदद करने में मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन काटने में मेरी स्वतंत्रता नहीं है, काटने में मेरी स्वतंत्रता नहीं, इसलिए मैं काट नहीं सकता। इसलिए भगवान न तो किसी को बांधते हैं और न तो किसी को मुक्त करते हैं। हम लोग अपने कर्म के अनुसार बांधते हैं और अपने कर्म के अनुसार ही हम लोग मुक्त होते हैं। अच्छा कर्म करते हैं तो हम लोग मुक्त होते हैं, बुरा कर्म करते हैं तो हम लोग बंध जाते हैं। हम लोगों की अविद्या ही हम लोगों को बांधने का और मुक्त करने का कार्य करती है, अविद्या ही हम लोगों को बांधने और मुक्त करने का कार्य करती है। अपितु तो प्रकृति के धर्मानुसार, प्रकृति के, प्रकृति का जो जो धर्म है उसके धर्मानुसार अज्ञान अथवा ज्ञान ही प्रकार क्रमशः बंधन और मोचन, मुक्ति का मोचन यानी मुक्ति का कारण है, वही करते हैं ज्ञान और अज्ञान ही। ज्ञानी व्यक्ति मुक्त होता है, ज्ञानी व्यक्ति बंधता है, अज्ञानी व्यक्ति नीचे की तरफ जाता है, ज्ञानी व्यक्ति ऊर्ध्वरेता होता है, ऊर्ध्व की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व और उनके प्रयोजकत्व आदि बंधनकारी है। कर्तृत्व भोक्तृत्व कहते हैं कर्तापन यानी कर्ता का अभिमान और भोक्ता का अभिमान
और उनके प्रयोजकत्व आदि बंधनकारी हैं। ये सब यदि हमारे अंदर आया, कर्ता और भोक्ता का यदि अभिमान हमारे अंदर आया, तो हमारे ये बंधन के कारण हैं कि हम भोक्ता हैं, हम कर्ता हैं, ये हमारे बंधन का कारण है। एवं अनासक्ति शांति आदि मोचनकारी, कह रहे हैं अनासक्ति, किसी के प्रति भी आसक्ति ये हमारे बंधन का कारण है, लेकिन अनासक्ति जो है, अनासक्ति और शांति हमारे मोचनकारी यानी मुक्ति का कारण है, शांति भी हमारे मुक्ति का कारण है। इसलिए हम लोगों को शांति की तरफ अग्रसर होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से शांति मिलेगी। भक्त लोग भगवान के नामों का जप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, प्रसाद बनाते हैं ठाकुर जी के लिए, अनेक प्रकार की सेवाएं भगवान के लिए करते हैं। किस लिए? शांति के लिए, कि अगर हम भगवान की सेवा में रहेंगे तो हम शांत रहेंगे, हमारे अंदर शांति आएगी। तो शांति भी व्यक्ति के मुक्ति का कारण होती है, और अनासक्ति, आसक्ति बंधन का कारण होती है, और अनासक्ति जो है वो मुक्ति का कारण होती है। ये प्रकृति के ही धर्म है। ये जो अनासक्ति शांति आदि ये जो मोचनकारी हैं या जो बंधनकारी हैं, भोक्ता या कर्तृत्व का ये जो कर्तापन है, ये सब प्रकृति के ही धर्म है, प्रकृति के ही धर्म है। परमेश्वर आंशिक रूप में प्रयोजक है, आंशिक रूप में प्रयोजक है, क्योंकि उनके अंतर्यामी होने के कारण ही प्रकृति के सब धर्म उद्बुद्ध होते हैं, अतः उनमें वैषम्य और निर्दयता आदि दोष का स्थान नहीं है। ये सब प्रकृति का धर्म है, इसमें भगवान का कोई भी हाथ नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये कर दिए वो कर दिए, भगवान कुछ भी नहीं करते। भगवान दोष मुक्त होते हैं एकदम। जीव अनादि प्रकृति से देह प्राप्त कर अपनी वासना के अनुसार ही कर्म में प्रवृत्त होता है। जैसी व्यक्ति के अंदर वासना होगी यानी भोगने की इच्छा, जीव अनादि प्रकृति से देह प्राप्त कर, अनादि प्रकृति से देह प्राप्त कर अपनी वासना के अनुसार ही कर्मों में प्रवृत्त होता है। जैसी हमारे अंदर वासना होती है, वैसे कार्यों में हम प्रवृत्त हो जाते हैं, वैसे ही कार्यों को हम करने लगते हैं। परमेश्वर किसी भी जीव के पाप पुण्य का विधान नहीं करते। ऊर्ध्वगति साधक का पुण्य, ऊर्ध्वगति यानी ऊपर की तरफ जो गति करते हैं, ऊर्ध्वरेता जिसको बोला जाता है, इसलिए ऊर्ध्वगति साधक का पुण्य और अधोगति साधक का पाप। अधोगति मतलब निम्नगामी, यानी जो नीचे की तरफ जाते हैं, जो नरक की तरफ जाते हैं। जो साधक का पाप, सब कुछ जीव की प्राचीन वासना के अनुसार ही होता है। देखिए यहां पे बहुत बोल रहे हैं, जीव की प्राचीन वासना के कारण, जन्म जन्मांतर, इसीलिए कहा जाता है ना, जब हम मरने लगते हैं, जब हम लोग शरीर छोड़ते हैं, तो हम लोगों के अंदर जो वासना होती है वो नष्ट नहीं होती है। हम लोगों का जो स्वभाव जिसको बोला जाता है, यम यम वापि स्मरण भावम तेजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। जो भाव है, जो हम लोगों के अंदर जो भाव था, इस भाव का कभी भी नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। ये जो भाव हम लोगों के अंदर है, इसको हम लोग जीते जी इसको अगर समाप्त कर पाए, यदि इसको कंट्रोल कर पाए, इसको रोक पाए, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम इसको नहीं रोक पाए, यदि नहीं रोकने में समर्थ हुए, तो फिर ये स्वभाव ही हम लोगों के अगले जीवन में ट्रांसफर हो जाए। जैसे हम आज हैं, वही स्वभाव हम लेकर के फिर जन्म लेंगे। इसलिए जो भी हमारे अवगुण हैं, जो कुछ भी हमारे अंदर दोष हैं या किसी प्रकार का कोई अवगुण है, तो हम लोगों की, यदि इसीलिए कहा जाता है हम लोगों को साधु संग करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, गीता आदि पढ़ना चाहिए। क्यों कहा जाता है? कि हमारे दोष पता चलेंगे, कि हमारे अंदर दोष किस प्रकार का है, कैसा दोष है, हमें उस दोष को जान करके उसको खत्म करना है, उसको नष्ट करना है दोष को। अन्यथा ये दोष हमारा, ये जीवन तो हमारा बिगाड़ ही दिया, ये जीवन तो हमारा नाश कर ही दिया, और अगला जीवन भी लेकर के जाए। इसलिए यहां पे कह रहे हैं प्राचीन वासनाओं के अनुसार, प्राचीन जैसे पहले की हमारी वासना है, हमने ध्यान नहीं दिया, वो वासनाएं बनी रही, और उसी वासना के चलते पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरे जननी जठरेसन, बार बार गर्भ में आना, बार बार जन्म लेना, मरना जीना, ये लगा रहता है। उसी के अनुसार वासना के अनुसार ही होती है। तो कह रहे हैं भगवान की माया शक्ति द्वारा दंड स्वरूप जीव का यह स्व स्वरूप आच्छादित होने पर, जो स्व स्वरूप कह रहे हैं, स्व स्वरूप क्या है जीव का,
जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये जीव का स्वरूप है, ये स्वरूप जैसे ही वो भूला, जैसे ही ये उसका ज्ञान ढका कि मैं एक दास नहीं हूं, अहम करता, अहम भोक्तास्मि, मैं भोक्ता। अगर ऐसा हमारे अंदर भाव आया, स्वस्वरूपगत आच्छादित होता है, उसका जो स्वरूप है वो आच्छादित हो गया यानी ढक जाता है, होने पर जीव की देहात्म बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही उसके अंदर ये भाव आया कि मैं दास नहीं हूं, मैं नौकर नहीं, मैं एक मालिक हूं, वैसे ही देहात्म बुद्धि उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही उसके अंदर देहात्म बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न होती है, और इसलिए वह अपने को सभी कर्मों का कर्ता समझता है। बस जैसे ही उसके अंदर देहात्म बुद्धि उत्पन्न हुई, वैसे ही वह कर्ता, कर्म का भोक्ता, और फलों के प्रति उसकी आसक्ति, ये सब चीजें उसके अंदर आना शुरू हो जाती। तो कर्ता समझता है, जीव की ऐसी अवस्था के लिए परमेश्वर के ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का हम लोगों को भगवान पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए और न तो किया जाता है। ये हमारे देहात्म बुद्धि हमारे अंदर उत्पन्न हुई और इसीलिए कर्ता हम लोग अपने आप को समझने लगते हैं। माया की अविद्या और विद्या वृत्ति ही क्रमशः जीव के बंधन और बंधन से मुक्ति का कारण है। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है, विद्या विद्य ममतनु विद्यत युद्ध उद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंधकारी आद्य माया में विनिर्मिता। अर्थात हे उद्धव, भगवान उद्धव को कह रहे हैं, हे उद्धव, अविद्या और विद्या, अविद्या अज्ञान और विद्या ज्ञान, जो अज्ञान और ज्ञान है, ये दोनों मेरी ही माया शक्ति की वृत्तियां हैं, ये मेरी ही माया शक्ति की वृत्तियां हैं। जैसे कहा जाता है कि जो माया देवी हैं वो एक ही हैं, वो भक्तों के पास जाती हैं तो वो जो भगवान की चित्त शक्ति हो जाती है, और अभक्तों के पास जाती हैं तो वही माया शक्ति हो जाती है, हैं एक ही लेकिन कार्य दोनों का अलग अलग है। अभक्तों के पास गई, असुरों के पास गई तो माया शक्ति हो गई, उनको मोहित कर रही है, और जैसे ही वो भक्तों के पास जाती है वैसे चित्त शक्ति ज्ञान शक्ति हो जाती है, उनको वो आगे की तरफ ले जाती है। भगवान की ये दोनों एक ही माया है लेकिन दो रूपों में ये काम करती हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि हे उद्धव, अविद्या और विद्या ये दोनों मेरी ही माया शक्ति है, मेरी माया शक्ति की वृत्तियां हैं। यहाँ श्री चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार विद्या मोक्षदायिनी और अविद्या बंधनकारिणी है। जो विद्या है उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, अविद्या से बंधन प्राप्त होता है। माया की तीन वृत्तियां हैं, माया की तीन वृत्तियां हैं, प्रधान, अविद्या और विद्या, ये तीन प्रकार की उसकी तीन वृत्तियां हैं। तो जो प्रधान के द्वारा सत्य की भांति प्रतीत होने वाली जीव की उपाधि सृष्ट होती है, प्रधान के कारण, प्रधान के द्वारा सत्य की भांति प्रतीत होने वाली जीव की उपाधि सृष्ट होती है, सत्य होने पर भी सत्य की भांति प्रतीत होती है, अविद्या द्वारा उसमें मिथ्या आरोप संपन्न होता है, तथा विद्या के द्वारा मिथ्या आरोप दूर हो जाता है। यहां इस विषय को भली भांति, तो यहां पे अविद्या, विद्या और प्रधान, प्रधान के कारण ये जो जीव की उपाधि है वो सृष्ट हुई, और जो अविद्या है उसके द्वारा जो हम लोगों के अंदर आरोप, कैसे मिथ्या आरोप जो होता है अविद्या के कारण होता है, और जो उस अविद्या को नष्ट करने वाली है वह है विद्या। तो ये तीन जो उसकी वृत्तियां हैं वो इस प्रकार से काम करती हैं कि विद्या के द्वारा मिथ्या आरोप जो होता है वो दूर होता है, और लेकिन अविद्या के द्वारा वही मिथ्या जो आरोप है वो सिद्ध होता है। तो ये तीन तरीके की उसकी वृत्तियां हैं। यहां इस विषय को भली भांति समझ लेना चाहिए कि प्रधान द्वारा सृष्ट जीव का औपाधिक स्थूल और लिंग शरीर असत्य नहीं है, किंतु इन दोनों में मैं और मेरा का संबंध असत्य अथवा मिथ्या है। जो मैं और मेरा है ये क्या है, ये अविद्या है, लेकिन ये जो लिंग शरीर है वो क्या है, वो प्रधान है, वो प्रधान है। तो यहां पे कह रहे हैं कि दोनों में मैं और मेरा का जो संबंध असत्य अथवा मिथ्या है ये नहीं होना चाहिए, मैं और मेरापन नहीं होना चाहिए शरीर में। वेद और उपनिषदों में इसी को विवर्त बताया गया है। परमेश्वर में स्वतः कर्तृत्व नित्य विद्यमान रहता है, परमेश्वर में स्वतः कर्तृत्व नित्य विद्यमान रहता है, प्रकृति उनकी जड़ा शक्ति है, जो प्रकृति है उनकी जड़ा शक्ति है,
प्रभु की दृष्ट शक्ति से प्रकृति कार्य करने में समर्थ होती है। प्रभु की दृष्ट शक्ति से ही ये प्रकृति कार्य करने में समर्थ होती है। इसलिए जगत सृष्टि का गौण कारण प्रकृति के होने पर भी परमेश्वर ही आंशिक रूप में इसके प्रयोजक हैं। इसको संपूर्ण जगत को चलाने वाले आंशिक रूप से दिखाई पड़ता है कि भगवान की सत्ता से ही होता है, क्योंकि देवताओं के प्रति भी देखा जाता है, जब हम देवताओं से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो देवताओं से जो कुछ भी हमें मिलता है वो भगवान की शक्ति से ही हम लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए परमेश्वर ही आंशिक रूप से इसके प्रयोजक हैं। ज्ञान दो प्रकार का होता है, प्राकृत और अप्राकृत। प्राकृत अथवा जड़ प्रकृति संबंधी ज्ञान, ज्ञान को ही जीव का अज्ञान या अविद्या कहते हैं। यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, जो ऊपर कहा गया प्रकृति अप्रकृति, ज्ञान अज्ञान, विद्या और अविद्या, तो यहाँ कह रहे हैं जो प्राकृत और अप्राकृत दो प्रकार का जो ज्ञान है, कह रहे हैं प्राकृत ज्ञान, कह रहे हैं प्राकृत अथवा जड़ प्रकृति संबंधी ज्ञान को ही जीव का अज्ञान या अविद्या कहते हैं। अप्राकृत ज्ञान ही विद्या है। अप्राकृत ज्ञान मतलब भगवत ज्ञान। अब अप्राकृत ज्ञान ही विद्या है। अप्राकृत ज्ञानोदय होने से जिन जीवों का प्राकृत ज्ञान नष्ट हो जाता है, उनके निकट परम ज्ञान रूप अप्राकृत ज्ञान उदित होकर अप्राकृत परम तत्व का प्रकाश करता है। कह रहे हैं जिनकी अविद्या नष्ट होती है, कह रहे हैं अप्राकृत ज्ञानोदय होने से, यानी अप्राकृत जब ज्ञान का जब उदय होता है, जिन जीवों का प्राकृत ज्ञान नष्ट हो जाता है, यानी ज्ञान उदय होता है, जब अप्राकृत ज्ञान उदय होता है तो प्राकृत ज्ञान नष्ट हो जाता है, और उनके निकट परम ज्ञान रूप अप्राकृत ज्ञान उदित होकर के अप्राकृत परम तत्व का प्रकाश करता है। जो परम तत्व, जो भगवत तत्व है, उसका प्रकाश करता है, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर जी का कहना है। तो आज की श्रीमद् भगवद गीता की क्लास यहीं पे विराम लेती है, और कल हम लोग पुनः अपने इसी समय से श्रीमद् भगवद गीता की क्लास में हम लोग उपस्थित होंगे अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।